हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के अभी 8 बजे से हो रही है और सूर्य भगवान तो अभी आए ही नहीं है, बस आने वाले हैं। जस्ट पीछे की पहाड़ियों में आ गए। सभी लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। और बस आज तो थोड़ा लेट से उठना हुआ रात भर। एक तो मेरी तबीयत थोड़ी हल्की सी ख़राब, जैसे मतलब तबीयत कुछ ख़राब तो नहीं हुआ पर मुझे एलर्जी है, तो मेरे यहाँ रात को गले में काफ़ी दर्द हुआ। रात को मतलब 2 बजे से मेरे को नींद ही नहीं आई। अभी सुबह मतलब 4 बजे करीबन थोड़ा सा आराम मिला जब मैंने दवाई वगैरह खाई, तो तब थोड़ा ठीक हुआ। तो उस वजह से मेरी नींद अभी 6:30 बजे उठी और उड़ते ही डेली रूटीन पर लग गई थी मैं। और अभी अभी मम्मी की दीदी आ रखी थी और वो जा रहे हैं घूमने के लिए कहीं, मतलब घूमने तो क्या ही, पर आजकल मतलब जगह जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलता है, कहीं द्वारी निकलती है बाहर, कहीं कोथिक वगैरह कुछ होता रहता है। ऐसे मैंने तो कभी देखा नहीं है पर उन्हीं के मुंह से सुना। तो वो अभी आए हुए थे हमारे घर में क्योंकि उन्हें यहीं से जाना था। सारे उनके जितने दोस्त लोग हैं सब एक साथ जा रहे हैं और बस अभी तक थोड़ा उन्हीं के साथ ही मैं। और मैंने सोचा ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने के लिए थोड़ा छत में चले जाती हूँ, खूबसूरत से नज़ारों के भी दर्शन करवाती हूँ। देख सकते हो बैक साइड तो पूरी आ गई है धूप और इस साइड बस जस्ट आने वाली है। और मैं तो अपनी चाय ले करके छत में आ गई हूँ, आप लोग भी आ जाइए जल्दी से चाय का आनंद लेने के लिए। और हाथ में सच में बहुत ठंडे हो रहे हैं। आज मैंने बगीचे में पानी भी नहीं डाला क्योंकि कल का डाल गया था, एक दिन छोड़ छोड़ करके डालना पड़ता है। अब कुछ टाइम बाद अनसह मेला भी लगने वाला है, मतलब 26-27 में बोल रहे हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ अनसह मेला आए। कई लोगों को तो पता होगा अनसह मेला कहाँ है और कई लोगों को नहीं पता होगा, तो वो मैं आपको अपनी वीडियो में चल करके बताऊँगी। अगर तब तक मम्मी लोग आ गए तो शायद मैं भी जाऊँगी, तो आप लोगों को अपने ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। चलती हूँ अभी नीचे, थोड़ा बिस्तर के अंदर घुस जाते हैं अभी क्योंकि ठंड हो रही है। आ गई हूँ मैं अपने जगह पे, अभी बिस्तर भी उठाया नहीं है। मैंने सोचा यार अभी तो सूर्य भगवान आए ही नहीं है, तो जब वो आएंगे तो ही मैं बाहर जाऊँगी, अभी नहीं जाती हूँ। अभी थोड़ी देर बिस्तर में बैठ जाती हूँ और चाय पीते हैं, और आप सभी लोग भी आ जाइए चाय, गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। मिलती हूँ आपको सीधा नाश्ता बनाने के बाद। कल मुझे किसी के कमेंट आ रखे थे कि नेहा आलू के परांठे की रेसिपी बताना, तो सही बात है, मुझे वैसे खाना बनाने का बहुत शौक़ है। और कभी मतलब कभी कोई हमारे घर आ गए मेरे सब्सक्राइब, मैं ज़रूर आप लोगों को अपने हाथ की कुछ रेसिपी खिलाऊंगी। और कई लोग को पता भी होगा वैसे, मतलब जो मेरे जो मुझे जानते हैं, जो मेरे घर आए हैं, जिन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया है, उन लोगों को तो पता ही होगा मुझे खाना बनाने का सच में बहुत ज़्यादा शौक है। और रही बात रेसिपी की, जिसने मुझसे रेसिपी पूछी थी, तो मैं ज़रूर, वैसे भी कल रात मैंने आलू बॉयल करके रखे थे, तो आज के ब्लॉग में मैं आपको आलू के परांठे की रेसिपी ज़रूर बताऊंगी। आज मैं आप सभी लोगों को आलू के परांठे बनाने की रेसिपी अपने स्टाइल में बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, और आप लोग देखते रहें। डेली हमेशा एक ही चीज़ दिखाऊंगी तो आप लोग भी बोरियत हो जाओगे और मुझे भी बोरियत आएगी हमेशा एक ही चीज़ दिखाते दिखाते। तो मैंने सोचा कि जब मैं खाना डेली बनाती ही हूँ और परांठे तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि हमारे घर में हर दूसरे दिन बनते रहते आलू के, तो किसी ने मुझे बोला भी था कि अपनी आलू के परांठे की रेसिपी भी दिखाना, तो जब मैं बना ही रही हूँ तो मैंने सोचा ये भी मैं दिखा ही लेती हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आटा निकाल लिया है, मैंने तो दो इंसानों के हिसाब से इतना मतलब कम निकाला है, आप लोग जितने होंगे उस हिसाब से निकालना आटा, ज़्यादा होज पोज या ज़्यादा कुछ डालना नहीं, नॉर्मल से डालेंगे। आटे में थोड़ा सा अजवाइन मिलाना है, हल्का सा मिलाना है, जितनी क्वांटिटी में आटा है उतना, और इसको क्रश कर देना है और ये मिला देना, और थोड़ा इसमें मिला देना कस्तूरी मेथी। ये इसलिए मिलाती हूँ क्योंकि मुझे कस्तूरी मेथी हर चीज़ में पसंद है, इसलिए मैं मिलाती हूँ। आप लोगों को नहीं है तो आप लोग इसे अवॉइड कर सकते हो। हल्का सा कस्तूरी मेथी आटे में मिला देना है, ये देख सकते हो आटा मेरा गून करके तैयार है। इसे मतलब नॉर्मल गूनना है, जैसे आप लोग नॉर्मल रोटी की गूनते वैसे गूनना है, और इसमें हल्का सा तेल लगा देना है और इसे मैं रख देती हूँ फिलहाल अलग सा। और अब मैं इसके मसाले की तैयारी करती हूँ। आलू मैंने छिल करके रख दिए हैं, कम मतलब दो इंसान है, दो इंसानों के हिसाब से ये ज़्यादा हो गया ऐसे, पर फिर भी मैं ज़्यादा थोड़ी फीलिंग ज़्यादा डालूँगी। इन आलूओं को मैं इस पतीले में रख लेती हूँ और मैं इसमें बताती हूँ कि क्या क्या डालना है आप लोगों को।
इसमें मिलाना है हरे पत्ते, इसे मैं काट लेती हूँ, पतले पतले काटने। साथ में आप इसमें प्याज डाल सकते हो, ऐसे नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि डालना ही डालना है। प्याज को पतले पतले में लंबे में काटना है। अब इसमें मिलानी है हरी मिर्च, हरी मिर्च जितना आप खाते हो उस हिसाब से मिलाना, कोई कम खाता है तो एक डालना, कोई ज़्यादा खाता है तो दो तीन डाल देना। ये तैयार है। अब इसमें मुझे मिलाने हैं मसाले, बस बेसिक मसाले मिलाने हैं जो जो आप डेली यूज में इस्तेमाल करते हो, जैसे स्वादानुसार नमक मिलाएं अपने हिसाब से, मतलब जितना जैसे मेरा ये मतलब दो इंसानों के हिसाब से, तो मैं इसमें आधा आधा चम्मच मिलाऊंगी नमक, और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च मिलाना, लाल मिर्च कम मिलानी क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली हुई है, और आधा चम्मच धनिया मिलाना है, और हल्की सी हल्दी, हल्दी ज़्यादा नहीं मिलानी है, हल्दी की ना तो ना स्मेल आती है। ये हो गया है तैयार। और इसमें और कुछ ज़्यादा जामदाम लहसुन अदरक वगैरह वगैरह मत डालना, कड़वा बनाता है, मैं तो सिंपल करती हूँ। और ये मेरा तैयार है, अब इसे फटाफट से हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। जो बेसिक यूज में हमारे घर में डेली मिल जाता है वही चीज़ें डाली हुई है, और अजवाइन इसलिए नहीं मिलाएंगे क्योंकि अजवाइन ऑलरेडी हमने आटे में मिला रखा है, तो इसलिए अजवाइन नहीं डालेंगे। ये देख सकते हो एकदम बारीक हो गया है, आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, ये देखो एकदम बारीक हो रहा है। हाथ से करना, हाथ से करने में ज़्यादा ठीक लगता है, ऐसे नहीं कि मैं सर से कर रहे हो आप, और हाथ से करने में सारी चीज़ें एकदम से मिक्स हो जाती है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तवा ढंग से गर्म होना चाहिए, और साथ ही साथ एक कटोरी में तेल ले लिया है। सरसों का तेल यूज़ मत करना आप, रिफाइंड तेल यूज करना, या तो घी यूज कर सकते हो, घी से अच्छा रिफाइंड तेल ठीक है। जितनी देर में तवा गर्म हो रहा है उतनी देर में मैं लोई बना लेती हूँ। आपको ज़्यादा मतलब इतने बड़े बड़े लोई नहीं लेनी है, हल्की छोटी लेनी है, जितने आप नॉर्मल रोटी के लिए यूज़ करते हो। देख सकते हो इतना मैंने बेल लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं किया, और इसके अंदर अब मैं जो ये फीलिंग है इसको भर लेती हूँ। ये देख सकते हो इतना छोटा मेरा चम्मच है, और इस हिसाब से मैं इतना भर लेती हूँ। एक चम्मच डाल दिया है, अब थोड़ा और डाल देती हूँ। ये देख सकते हो इतना मैंने डाल लिया है। अब मैं इसे ऐसे करके इसको पूरा ढंग से बंद कर देती हूँ, चारों तरफ से आटे को लेकर के ऐसे करके गोल शेप दे देती हूँ, मतलब जो फीलिंग है उसको भर लिया, अब आटे से उसको चारों तरफ से ढक लेना है, और ये जो ऊपर मुँह आ गया तो उसको ऐसे दबा देना है। अब इसको ऐसे जैसे नॉर्मल रोटी के लिए आप ऐसे कर दो ना, वैसे कर लेना है। और अब मैं इसे फटाफट से बेल लेती हूँ, देखते जाओ, थोड़ा सा इसमें आटा लगाना है और इसे बेलते रहना है। ये दोनों तरफ मैंने आटा लगा दिया है, बस एक ही बारी लगाना आटा आपको इसमें, और इसे बेल देना है नॉर्मल जैसे रोटी बेलते हैं वैसे, हल्का सा हल्के हाथों से, ऐसे नहीं कि जोर जोर से नहीं, हल्के हाथों से बेल देना है। ये देख सकते हो मैंने सेव इतना मतलब इतना ही छोटा बनाना है, मुझे ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, गोल सेव दे दिया है। अब मैं इसे तवा मेरा गर्म हो गया है, अब मैं इसे तवे में डाल देती हूँ, और दूसरा परांठा भी बेल लेती हूँ तभी तक। ये देख सकते हो आलू का परांठा मेरा तैयार है, और आ जाइए आप सभी लोग, एक लास्ट परांठा है ये ना, मैं लास्ट में हमेशा जो भी लास्ट में जो परांठा बचता है उसे मैं तवे में रहने देती हूँ, ये इसलिए रहने देती हूँ, इसका भी एक रीज़न है। जब तक मेरी दादी जिंदा थी तो मेरी दादी को मेरे हाथ के आलू के परांठे बहुत पसंद थे, पर जब भी कुछ भी होता है श्राद्ध वगैरह तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी दादी को आलू के परांठे बनाऊँ, क्योंकि उनको बहुत पसंद थे मेरे हाथ के आलू के परांठे, तो इसलिए ये लास्ट में ये मेरी दादी के लिए है, और ये मैंने बना लिए हैं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना है कि आपको मेरे आलू के परांठे की रेसिपी कैसे लगी। परांठे तो मैंने बना दिए हैं, पर रिव्यू लेना भी ज़रूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कैसे बने हैं। आप लोग सोचेंगे खाली बना दिया बस रिव्यू नहीं दिया, खाने वाला हमारे यहाँ एक ही इंसान है अभी, तो इसी से पूछ लेती हूँ कैसा बना है। भाई बता दे कैसा बना हुआ है। बहुत बहुत ज़्यादा गंदा बन रखा है, बहुत ज़्यादा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये ना जानबूझ करके बोल रहा है, जानबूझ करके, सच सच बोलना कैसे बन रहा है। बहुत ज्यादा टेस्टी, इसको तो मैं 10 में से -0.5 स्टार दूंगा, मैं कोई स्टार दूंगा ही नहीं मैं।
खा पी करके ना ये ऐसे ही लोग रहते हैं, इन लोगों से तो पूछने बेकार है, बेइज्जती कर दी। आज का ब्लॉग तो मेरा काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि मेरे को आज रेसिपी वगैरह डालनी है, तो आज के ब्लॉग में इतना ही रखती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे आज के रेसिपी वाली ब्लॉग पसंद आएंगे, ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी पर वो नेक्स्ट पार्ट में करूँगी। ओके बाय बाय।